Assalamu alaikum. My name is Areej Ahmed and I recently graduated from NCA, Rawalpindi. And the piece that was selected was from my thesis series called The End of Innocence. So this piece, my work was basically about my own childhood in the form, I painted my own childhood and the events that happened in the form of a child's language. And this particular painting was about when I was bullied by my teacher in fifth grade, and we had a test, and when she collected the paper, she couldn't find mine, so she made me stand in front of the class and she searched me. But in May, like, the paper was found in her own stack of papers. मेरा नाम अना मासिफ है. मैं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हूँ 2017 में. मेरा काम ऑयल पेंटिंग में है और मैंने रावलपिंडी के पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको खुद फोटोग्राफ करके उनको पेंट किया है. मेरा एसोसिएशन इन जगहों से बचपन से, क्योंकि बचपन में मैं अपनी अम्मा के साथ जाती थी बाज़ार में, तो गाड़ी में मैं उनके लिए वेट करती थी. तो इन जगहों से मैं बचपन से अपने आप को एसोसिएट करती हूँ इन जगहों को देख देख के. तो VM गैलरी ने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने काम को शोकेस कर सकूँ. Assalamu alaikum. My name is Kuratulain and I'm passed out from Arts Council. यहाँ पे Emergent Talent हुआ, इसमें हम लोगों ने participate किया. ये मेरी installation है जिसको मैंने, मेरे बचपन की जो story थी जिसको मैंने installation में present किया है. Paintings भी की और कुछ नया करना चाहा तो मैंने toys को paint किया और अपनी story को उसमें बताया. Thank you. मेरा नाम एहसन उस्मान है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ. मेरा काम जो है बेसिकली दरगाहों के ऊपर है बेस. तो मैंने अपनी जर्नी रिप्रेजेंट की है, मतलब जो यहाँ पे मैंने पीसेस बनाए वो मुख्तलिफ दरगाह से रिलेटेड हैं. तो मैं कभी सिंध के मज़ार से इंस्पिरेशन लेके, कभी पंजाब से, तो मुख्तलिफ ट्रैवलिंग करने के बाद मैंने ये पीसेस बनाए हैं, जिसमें मैंने मीडियम जो इस्तेमाल किया है वो है बॉल पॉइंट और चाय, दो मीडियम ऐसे, ताकि मैं उनमें ज़्यादा इंगेज हो सकूं और अपने काम के बारे में और अपनी मेहनत और उनकी मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको बयान कर सकूं. तो मैंने जो यहाँ पे थीम ली है वो जूम इन से, बेसिकली जो भी वहाँ पे दरवेशेस मिले तो उनकी जो चीज़ें थी, मतलब उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उनके कौन से ऐसी चीज़ें थी जो उनकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती थी, मैंने उसी चीज़ को जूम इन करके और उसको ड्रॉ किया है. Assalamu alaikum. My name is Aisha and I'm from Indus Valley School of Art and Architecture. And this is my work, which is in acrylics on canvas. I was working with the idea of, and generally I'm concerned with the idea of female objectification in the society. And I work with ideas related to simulation. So I combine them and I also look at cultural connotations that are attached to the society. Like for this specific piece, I was looking at abaya as a medium of expression, but as also something that has been there for centuries. And
So I was also looking at it, we should think about it in a different way. It should be a new image. So I was constructing a costume out of abaya. So it becomes a different image, but also at the same time makes us question that where these norms are coming from. So it's kind of like an illusion meets reality. So my work is really about that surreal in-between binary that is shared between the reality and the idea of the reality that we think that we are experiencing. So this is my work. Assalamualaikum. मेरा नाम एना हुसैन मेमन है. मैं बेसिकली सिंध से हूँ, फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन. और मेरा जो काम है वो बेसिकली लाइंस पर है कि लाइन एक बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट है. लाइन के बिना हम किसी चीज़ की पहचान नहीं है. हालांकि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तो बहुत सारे हैं, डॉट है, टेक्स्चर है, पैटर्न्स हैं, लेकिन वो भी एक रिपीट होते हैं तो एक वो लाइन फॉर्म क्रिएट करते हैं. जैसे एक कोट है कि पॉल क्ली का, डॉट वेंट फॉर अ वॉक. तो जब डॉट्स रिपीट होते हैं वो भी एक लाइन फॉर्म करते हैं. तो मैंने बेसिकली जैक्सन पॉलक की पेंटिंग्स को मर्ज करके ये लाइंस फॉर्म की हैं कि जैक्सन पॉलक भी जब कलर स्प्लिट करता है वो भी एक लाइंस फॉर्म करता है. तो मैंने बीच बीच में अपनी भी उसमें दूसरे कलर में एक लाइंस को ब्रेक दे दिया है. और यही मेरा काम है. Hi, I'm Malika Rangoonwala and I'm proud to show the Emerging Talent 2019. It's our 15th year. 14 institutes have participated with 72 artists and over 140 plus works. And it is such a phenomenal thing to see because we get to see our emerging talent all under one roof. And I encourage everybody, supporters and lovers and practitioners of art, to come and see this exhibition.